का आज तीसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होना है। कल पेश किया गया था अनुपूरक बजट, देख ध्यान दीजिएगा, और आज पास होना है। पेश होने के बाद ही पास होगा चर्चा के बाद, और विपक्ष का रवैया क्या होता है इस बारे में देखने वाला होगा। बहरहाल अभी चूंकि प्रश्नकाल का वक्त है, एक घंटे का वक्त प्रश्नकाल का होता है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात होगी कि कम से कम सुचारू रूप से 10 मिनट की विधानसभा सत्र चल रही है, हो हंगामा नहीं हो रहा है। इसके पहले आपने पहले दिन देखा कि क्या हुआ, किस तरह से वेल में आ गए विपक्षी दल। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं विधानसभा की, जहां प्रश्नोत्तर काल चल रहा है। क्या इस योजना में शेष पंजीकृत बचे हुए किसानों को भी इसी वित्तीय वर्ष में अनुदानित करने पर आप विचार करेंगे? दूसरा, तो ये प्रश्नकाल का दौर शुरू हुआ है, इसमें सीधे कृषि मंत्री से सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। जो विधायक के सवाल होते हैं वो पूछ रहे हैं और मंत्री तुरंत उसका जवाब देते हैं। इनके का जब पुरानी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की, तो उस समय प्रतीक्षा सूची को देखते हुए ही सोलर पंप दिए जाते थे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात का फैसला लिया सितंबर महीने में कि जो भी किसान पहले अपना ड्राफ्ट जमा कर देगा और उसको हम पहले सोलर पंप दे देंगे, और इस तरीके से लगभग 5800 सोलर पंपों को हम लोगों ने खोला, और उसमें से हमारे जो है वो 2046 ये 11 12 18 तक ये स्थापित किए जा चुके हैं। जिस तेज गति से हमारी सरकार ने सोलर पंप लगाए हैं, मैं आपको ये बता दूं कि 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, और उस पर हम ये निर्णय करने जा रहे हैं कि 10,000 सोलर पंप किसानों को जो भी पहले आए ड्राफ्ट जमा करेगा और उसको पहले दिया जाएगा, इस संदर्भ में हम उस योजना को घोषित करेंगे और 1 जनवरी के बाद हम उसको तुरंत क्रियान्वयन कर देंगे कि जो भी किसान ड्राफ्ट लेकर के आए। और एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस का विधानसभा से वॉकआउट है, यानी वो विधानसभा के